फ्रेंड्स, दिस इज ऋचा गिरी। इस वीडियो में इंटेलिजेंस पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा है इंटेलिजेंस के बारे में, उन्होंने कितने टाइप्स के इंटेलिजेंस बताए हैं और क्या क्या डिस्क्रिप्शन है उसका। तो वीडियो देखने के बाद फ्रेंड्स, इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हार्वर्ड गार्डनर, जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो इंटेलिजेंस के फील्ड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और हाईली स्प्रेडेड है और काफ़ी यूटिलाइज भी किया जाता है इसे। तो इसमें हार्वर्ड गार्डनर का ये कहना है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसमें डिफरेंट टाइप से स्किल्स होते हैं, डिफरेंट एबिलिटीज़ होती है। उन्होंने 8 काइंड ऑफ इंटेलिजेंस को फेवर किया है और ये 8 काइंड ऑफ इंटेलिजेंस ये सारे हैं। तो इसे हम वन बाय वन देखेंगे, इसका हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे। उससे पहले हम ये भी जान लेते हैं, जो हार्वर्ड गार्डनर है उन्होंने IQ टेस्ट को फेवर नहीं किया है। उन्होंने ये बताया है कि जो स्कोर होता है IQ टेस्ट का वो एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि वो पीपल की सारी एबिलिटी को नहीं बताता है बल्कि एक कुछ ही एस्पेक्ट बताता है, तो वो एक्यूरेट नहीं माना है इसे। इन्होंने जो 8 इंटेलिजेंस है उसमें से विजुअल स्पैटियल कहा है, बॉडीली काइनेस्थेटिक कहा है, वर्बल लिंग्विस्टिक कहा है, नेचुरलिस्टिक कहा है, इंटरपर्सनल, म्यूजिकल, इंट्रापर्सनल, लॉजिकल, मैथमेटिकल्स। तो इसे हम वन बाय वन पढ़ेंगे। इससे पहले हम कुछ और बातें जान लेते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में। तो गार्डनर ने अपनी थ्योरी को एक बुक में फ्रेम किया है जिसका नाम फ्रेम्स ऑफ माइंड है। इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब किया है, 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस प्लस जो 9th इंटेलिजेंस है उसे भी प्रपोज किया है। उसे हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियलिस्ट इंटेलिजेंस। तो इसमें गार्डनर की ये कहने की कोशिश है, ये इंटेलिजेंस लेवल वाले वो लोग होते हैं जो दूसरे को समझते हैं, जो वर्ल्ड को समझते हैं, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में डीपली एनालाइज करते हैं, डीपली फील करते हैं। तो ये ऑल्दो उतना भी अभी स्प्रेडेड नहीं है, अब आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू कैप्चर द फुल रेंज ऑफ एबिलिटीज एंड टैलेंट्स दैट पीपल पॉजेस, गार्डनर थ्योराइजेस दैट पीपल डू नॉट हैव जस्ट एन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बट हैव मेनी काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, स्पैटियल, विजुअल एंड लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसेस। तो गार्डनर का ये कहना है कि किसी में केवल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ही इंटेलिजेंस नहीं कहलाती है, बल्कि किसी की फुल कैपेसिटी या एबिलिटी को जानने के लिए, उसके फुल टैलेंट को जानने के लिए हमें और भी इंटेलिजेंसेस देखने चाहिए, जो कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, स्पैटियल विजुअल इंटेलिजेंस है और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। तो ये सारे को हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। इसके बावजूद कि गार्डनर की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया है इसके ब्रॉडनेस के कारण कि ये बहुत ही विस्तृत है, ये क्लासरूम टीचिंग वातावरण में यूटिलाइज़ किया जाता है। बहुत सारे टीचर्स इसे यूटिलाइज़ करते हैं। और क्यों यूटिलाइज़ करते हैं? ताकि ये डिफरेंट चाइल्ड के डिफरेंट एबिलिटी को जान सके कि कौन से चाइल्ड में कौन सा इंटेलिजेंट लेवल है और उसके अकॉर्डिंग वो मेजर्स अपना सके कि उन्हें किस तरीके से पढ़ाना है, टीचिंग और लर्निंग का जो मेथड है वो पर्टिकुलर चाइल्ड के लिए कैसा होगा। तो हम गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस के अलग अलग इंटेलिजेंस को देखने की कोशिश करते हैं। विजुअल स्पैटियल इंटेलिजेंस, गुड एट विजुअलाइजिंग थिंग्स, इंडिविजुअल आर ऑफन गुड विद डायरेक्शन एज वेल एज मैप्स, चार्ट, वीडियोज एंड पिक्चर्स। जो इंडिविजुअल है वो किसी भी चीज़ को परखने में बहुत ही अच्छा होता है, वो डायरेक्शंस को समझता है, दिशाओं को समझता है, मैप्स को समझता है, चार्ट, वीडियो और पिक्चर्स को समझता है और इनको अच्छे से मैनिपुलेट कर लेता है। उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ऐसे इंटेलिजेंट वाले लोग? ये रीडिंग और राइटिंग इन्जॉय करते हैं, पजल्स को इन्जॉय करते हैं, पिक्चर, ग्राफ और चार्ट्स को अच्छी तरीके से समझते हैं, इन्जॉय करते हैं, ये ड्राइंग, पेंटिंग, विजुअल आर्ट्स को भी इन्जॉय करते हैं और ये पैटर्न्स या किसी चीज़ के सीक्वेंस को ईजली समझ लेते हैं। तो इनका कैरियर स्पेक्ट्स क्या है? तो ये जनरली आर्टिस्ट बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, सेलर बनते हैं, पायलट्स बनते हैं, स्कल्पचर्स बनते हैं, स्कल्पटर्स बनते हैं, पेंटर्स बनते हैं और आर्किटेक्ट्स बनते हैं। आगे देखते हैं क्या है। लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस,
तो इस टाइप के इंटेलिजेंट के लोग की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि क्या है। पीपल हु आर स्ट्रॉन्ग इन लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस आर एबल टू यूज़ वर्ड वेल बोथ व्हेन राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो ऐसे जो इंटेलिजेंट वाले लोग होते हैं वो अच्छे से वर्ड्स को यूज़ करते हैं लिखने में भी और बोलने में भी। तो इनका हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या है। गुड एट रिमेंबरिंग राइटिंग एंड स्पोकन इन्फॉर्मेशन। जो ये स्टूडेंट्स होते हैं या ये चाइल्ड या इंडिविजुअल होते हैं वो किसी भी चीज़ को अच्छे से याद रखते हैं लिखने के लिए और बोलने के लिए भी, या किसी भी लिखी हुई बातों को याद रखते हैं और बोली हुई बातों को भी याद रखते हैं। ये रीडिंग और राइटिंग को एंजॉय करते हैं, डिबेट को एंजॉय करते हैं, स्पीच कंपटीशन ये सब में पार्टिसिपेट करते हैं। ये किसी भी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं और ये ह्यूमरस होते हैं, मतलब हास्यात्मक होते हैं। अगर कोई स्टोरी बताते हैं तो उसमें काफ़ी रोमांच आता है। इसका पोटेंशियल कैरियर क्या है? ऐसे लोग जनरली राइटर बनते हैं, जर्नलिस्ट बनते हैं, लॉयर बनते हैं या फिर टीचर बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस क्या है। तो पीपल हु आर स्ट्रॉन्ग इन लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस आर गुड एट रीजनिंग, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न एंड लॉजिकली एनालाइजिंग प्रॉब्लम। दीज पीपल टेंड टू थिंक कॉन्सेप्चुअली अबाउट नंबर, रिलेशनशिप्स एंड पैटर्न्स। तो जैसा कि नाम से दिख रहा है लॉजिकल और मैथमेटिकली, तो इनमें तर्क करने की क्षमता होती है, रीजनिंग अच्छे से करते हैं, मैथमेटिकल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, इनमें ये कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग रखते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में एंड टू एंड सोचते हैं, नंबर्स के बारे में सोचते हैं, उसके रिलेशनशिप्स और पैटर्न के बारे में अच्छे तरीके से सोचते हैं। तो इसका हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी अच्छे होते हैं। वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को लाते हैं, मतलब वैसे आइडियाज़ जो कि जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसे समझा जाता है, जिसके बारे में जिसके प्रॉब्लम्स को एनालाइज किए जाते हैं, डिसीजन मेकिंग किया जाता है। तो इस सभी मामले में ऐसे लोग जो हैं वो अच्छे होते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को लाइक करते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं या कंप्यूटेशन रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे कुछ जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, तो ये सारी चीज़ों में अच्छे होते हैं। इनका पोटेंशियल कैरियर देखते हैं क्या है। ऐसे लोग जनरली साइंटिस्ट बनते हैं, मैथमेटिशियन बनते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं, इंजीनियर होते हैं और अकाउंटेंट होते हैं। बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट, तो ये इंटेलिजेंट क्या होता है हम देखते हैं। इस इंटेलिजेंट का जो स्ट्रेंथ है वो है फिजिकल मूवमेंट और मोटर कंट्रोल। मतलब ऐसे जो लोग होते हैं उनमें फिजिकल मूवमेंट अच्छा होता है, उनकी फिजीक अच्छी होती है, उनमें मोटर कंट्रोल अच्छा होता है, मतलब वो मसल को अच्छे से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। गुड एट बॉडी मूवमेंट, परफॉर्मिंग एक्शन एंड फिजिकल कंट्रोल। पीपल हु आर स्ट्रॉन्ग इन दिस आइडिया टेंड टू हैव एक्सेलेंट हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड डेक्सटेरिटी। तो ऐसे जो लोग हैं वो बॉडी मूवमेंट बहुत ही बैलेंस वे में करते हैं, बहुत अच्छे से एक्शन को परफॉर्म करते हैं, फिजिकल कंट्रोल करते हैं, अपने बॉडी को कंट्रोल करते हैं। और ऐसे जो लोग हैं वो आई हैंड या आई लेग कोऑर्डिनेशन अच्छे से करते हैं, ताकि किसी भी चीज़ को अच्छे से एक्सपेडाइट कर सके, किसी भी एक्शन को अच्छे से ख़त्म कर सकें। इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। गुड एट डांसिंग एंड स्पोर्ट्स। तो ऐसे जो लोग हैं वो डांस में अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, वो इंजॉय क्रिएटिंग थिंग्स विथ हिज और हर हैंड्स। वो कुछ भी क्रिएटिविटी को इंजॉय करते हैं, कोई भी चीज़ जैसे हैंडक्राफ्ट चीज़ों को बनाना या फिर हैंडमेड चीज़ों को अच्छे तरीके से डेकोरेट करना या बनाना। ये जो लोग होते हैं वो फिजिकल कोऑर्डिनेशन में अच्छे होते हैं और ये जो हैं किसी भी चीज़ को करके अच्छे से समझते हैं, रैदर किसी चीज़ को सुन के या देख के समझना, मतलब जब ये खुद करते हैं तो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। तो इनका पोटेंशियल कैरियर क्या है। डांसर हैं, बिल्डर हो सकते हैं, स्कल्प्टर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं।
म्यूजिकल इंटेलिजेंस, तो देखते हैं इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पीपल हु हैव स्ट्रॉन्ग म्यूजिकल इंटेलिजेंस आर गुड एट थिंकिंग इन पैटर्न रिदम एंड साउंड, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग अप्रिसिएशन फॉर म्यूजिक एंड आर ऑफन गुड एट म्यूजिकल कंपोजिशन एंड परफॉर्मेंस। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनमें जो थिंकिंग पैटर्न होता है वो अच्छा होता है, वो रिदम को साउंड को अच्छे तरीके से पकड़ते हैं, समझते हैं और म्यूज़िक को अप्रिशिएट करते हैं, उसे अंडरस्टैंड करते हैं, किसी भी म्यूज़िकल कंपोजिशन को समझते हैं, इनफैक्ट म्यूज़िक को कंपोज करते हैं, उस पे परफॉर्म करते हैं, इन्जॉय सिंगिंग एंड प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसे जो लोग हैं वो सिंगिंग करते हैं और जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उसको प्ले करने में इन्जॉय करते हैं, वो म्यूज़िकल पैटर्न्स को समझते हैं, टोन्स को ईज़ली समझ जाते हैं और सॉन्ग्स और मेलोडीज़ को ईज़ली याद रखने में सफल रहते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो म्यूज़िक के स्ट्रक्चर को, रिदम को, नोट्स को अच्छे से समझते हैं। तो इनका पोटेंशियल कैरियर क्या है? ऐसे जो है वो म्यूज़िशियन बनते हैं, कंपोज़र बनते हैं, सिंगर बनते हैं, म्यूज़िक टीचर बनते हैं और कंडक्टर बनते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, गुड एट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरैक्टिंग विद अदर पीपल, दीज इंडिविजुअल्स आर स्किल्ड एट एक्सेसिंग द इमोशंस, मोटिवेशंस, डिज़ायर एंड इंटेंशंस ऑफ दोज अराउंड देम। तो ऐसे जो लोग हैं दूसरे को अच्छी तरीके से समझते हैं, दूसरे के स्किल को अप्रिशिएट भी करते हैं, दूसरे के इमोशंस को समझते हैं और किसी को मोटिवेट करते हैं, या ऐसे जो इंडिविजुअल हैं दूसरे के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। इनमें कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर गुड एट कम्युनिकेटिंग वर्बली, ये अच्छे से वार्तालाप करते हैं, ये नॉन वर्बल भी जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को एक्शन के द्वारा बताना या फिर अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा बताना, बॉडी लैंग्वेज से दूसरे को आकर्षित करना या रिलेशनशिप बनाना, एक पोलाइट बिहेव रखना, सीज सिचुएशन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस को डिफरेंट तरीके से देखते हैं, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनाते हैं दूसरे के साथ, और दूसरों के साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट्स है तो उस कॉन्फ्लिक्ट्स को ये सॉल्व करते हैं, मतलब झगड़ा लड़ाई कुछ भी है तो उस झगड़े लड़ाई को सॉल्व करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इनका पोटेंशियल कैरियर क्या है? ये साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, फिलोसोफर होते हैं, काउंसलर होते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस हम देखते हैं ये क्या है, ये गार्डनर की थ्योरी में रिसेंटली ऐड किया हुआ है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो नेचर के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, नेचर पे ज़्यादा लगाव रहता है इनका, ये इन्वायरमेंट में कोई भी नई चीज़ हो उनको परखने में, समझने में समर्थ होते हैं, नेचर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ों को ये अंडरस्टैंड करते हैं, उस पर लगाव रखते हैं, अगर कुछ नया स्पीसीज़ आया है तो उसके बारे में लर्न करना, उसे जानना, उसके बारे में समझना, तो ये सारी खूबियाँ इनमें होती हैं। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं, इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट्स सच एज बॉटनी, बायोलॉजी, जूलॉजी। तो ये सब्जेक्ट्स जैसे बॉटनी सब्जेक्ट हुआ, बायोलॉजी हुआ, जूलॉजी हुआ, तो ये सारे सब्जेक्ट्स में ये इंटरेस्ट लेते हैं, ये किसी भी इंफॉर्मेशन को अच्छे से कैटेगराइज कर लेते हैं, सेग्रीगेट कर लेते हैं, और ये जो हैं वो गार्डनिंग, हाइकिंग, कैंपिंग और कोई भी चीज़ जो आउटडोर है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है, उसको एक्सप्लोर करने में, समझने में समर्थ रहते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं। ये जो है अनफेमिलियर टॉपिक को इन्जॉय नहीं करते हैं जो कि नेचर से रिलेटेड नहीं है। तो इनका पोटेंशियल कैरियर है, ये बायोलॉजिस्ट बनते हैं, कंजर्वेशनलिस्ट बनते हैं, गार्डनर बनते हैं और फार्मर बनते हैं। एक और इंटेलिजेंस है जिसे हम इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो एक तो था हमारा इंटरपर्सनल, ये है इंट्रापर्सनल। इंटर का मतलब अलग अलग, इंट्रा का मतलब है विद इन, मतलब एक में। तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के लोग जो होते हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं,
तो वो जो लोग होते हैं वो अपने आप में ही सीमित रहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं, अपने अंदर की जो खामियां हैं वो या खूबियां हैं उस पे एनालिसिस करते हैं, वो दिन दिन में सपने देखते हैं या दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाने का एक्सप्लोर करते हैं, प्लस अपना स्ट्रेंथ जानने की कोशिश करते हैं, अपने वीकनेस पे वर्कआउट करते हैं, ध्यान देते हैं। उनके कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हम देखते हैं, ये जो है ये अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को अच्छे से एनालाइज करते हैं, ये थ्योरीज और आइडियाज़ को भी एनालाइज करते हैं, और ये अपने आप के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं, ये अपने मोटिवेशंस और अपने फीलिंग्स को भी समझते हैं। तो इनके कुछ पोटेंशियल कैरियर्स हैं वो हैं, ये फिलोसफर बनते हैं, राइटर बनते हैं, थ्योरिस्ट बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब विद द बेल आइकन।